सुनो भाई, रीना जी अपना बोल रहे हैं। देखो आज हमारी माता के लोग घूंघट डाल रखा, गाय के लिए डाल रखा, अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए डाल रखा ना। लेकिन आपकी यही माँ, आपकी यही बीबी, आपकी वही बेटी खुले में शौच करने के लिए जाए और जिस चीज को ढकना चाहिए अगर उसको उगड़ा करके अगर वहाँ बैठे, तो आप बताइए मुझे, आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रही? रही क्या? आपकी महिला अगर वहाँ लेटरिन जा रही है और गलती से मैं आ गया और मैंने जो चीज नहीं देखना चाहिए अगर वो देख ले, तो बताइए आपकी इज्जत कहाँ रही? इतना घूंघट डालने से फायदा क्या? ये कोई फायदा क्या? इसीलिए आज हम सब लोग इस बात का निर्णय करेंगे और प्रण करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके हमारे घर में शौचालय बनाएंगे, और अगर हम शौचालय नहीं बना सकते तो कम से कम हमारी टट्टी के ऊपर मिट्टी जरूर डाले, ठीक है? तो थोड़ा इधर हो जाओ, आप आगे हो जाओ माता जी, थोड़ा सा आप इधर आओ दादा, चलो ऐसा करो, सब लोग सब सामने करो, ऐसे थोड़ा पास से लो है ना, ऐसा आज करो सामने, आज बिल्कुल है ना, प्रण कर लेना इस बात का, आज हम सब लोग, कौन सा गाँव दंड है ना, आज हम सब लोग दंड गांव के इस बात का प्रण करते हैं कि आज के बाद कभी भी खुले में टट्टी करने नहीं जाएंगे, और अगर गए तो हमारी टट्टी के ऊपर मिट्टी डालेंगे, ठीक है? आज आपने संकल्प ले लिया सब लोगों ने, आपकी माता बहनों की इज्जत के लिए, इनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए आप लोग अपने घर में शौचालय बनाए, और अगर शौचालय नहीं बना सकते हो तो कम से कम अपनी टट्टी में मिट्टी जरूर डाल दें, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। अपने बच्चों को बोलो, अपने परिवार को बोलो, अपनी माता बहनों को बोलो कि कम से कम आप थोड़ी सी मिट्टी भर के डाल दो, ठीक है? अब आप थोड़ा सा आ जाओ, अब कितने दिन में शौचालय बना लोगे आप अपना ही बताओ। मांडव जाती तो अभी मांडव तो पानी नहीं आए, पानी तो आई दो पर पानी की बहुत कमी है यार। नहीं तो अभी शादी आई आपके, उन्हें पानी लाओ के लाओ, नहीं मिट्टी डाल देगा, ठीक है ना? चलो लोग चलते हैं, ठीक है? जय राम जी की, ठीक है? मिलेंगे आपसे वापस फिर कभी, ठीक है साहब? जितनी जल्दी हो सके आप अपनी माता बहनों के लिए तो कम से कम बनाई लेनी, तो इनके इतना घूंघट डालने की जरूरत नहीं है। आप लोग है ना बिल्कुल खुले मुंह से घूमो, बिल्कुल भी मत डरो इन लोगों से, क्या इनकी मूंछ की वैल्यू नहीं बची क्या? ठीक है ना, हमारी मूंछ की और हमारी पगड़ी की लाज जभी रहेगी जब हम लोग हमारे घर में शौचालय होगा और हमारी महिला सुरक्षित रूप से मल का निपटान वहाँ करेगी, ठीक है ना? नहीं तो कई जगह की घटना सुनी है, पेपर में पढ़ी, टीवी में देखा कि मैं तुझसे मिलना है टट्टी जाने के बहाने, कई लड़कियां भग गई है, कई बहू में भग गई है, फोन पे हेलो आई हो जाती है और पता नहीं क्या क्या हो जाए। चलो मोबाइल से टट्टी जाने को।